हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे क्रूज़ कंट्रोल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपकी नज़र यहाँ पे भी बटन्स पे जा रही होगी स्टीयरिंग के, तो यहाँ पे लिखा है क्रूज़। जी हाँ, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो राइट साइड स्टीयरिंग व्हील पे इतने सारे बटन है, क्रूज़, कैंसिल, रीसेट, सेट, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या इसके लिए मतलब कैसे इनेबल होता है। तो क्रूज़, अभी तो प्रेस नहीं होगा, यहाँ पे हो गया, देखो जैसे ही मैंने क्रूज़, एक सेकंड में फिर से दिखाता हूँ करके। अभी हम लोग की MID बिल्कुल क्लियर है, पर जैसे ही मैं क्रूज़ दबाऊँगा वैसे ही MID पे थोड़ा चेंजमेंट होगा। देखिए यहाँ पे KM/R लिख के आ गया है, किलोमीटर पर आर, ठीक है। यहाँ पे आर तीन डैश टाइप के आ गए हैं। तो जब आपकी कार 40 के ऊपर होगी और आप 40 के ऊपर क्रूज बटन दबाओगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और जैसे यहाँ पे सेट वाली बटन प्रेस कर दोगे तो आपकी वही स्पीड जितने पे आपकी गाड़ी चल रही होगी वो यहाँ पे लिख के आ जाएगी। फिर आपको एक्सलरेटर से कोई भी मतलब नहीं है, क्लच वगैरह किसी से कोई मतलब नहीं है। आप फिर चाहे कंधी मीच के भी बैठ सकते हो, आराम से बैठ सकते हो, एक्सेलरेटर से पैर हटा लो, कोई सीन नहीं होगा। तो ये मोस्टली वर्क होता है, मतलब ये वर्क होता है क्रूज़ का, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, हाईवेज पे आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो अब मैंने आपको समझा तो दिया है, बट उससे पहले मैं बता दूँ हटाएंगे कैसे। तो क्रूज़ कैंसिल करके जैसे आपको हटाना हो तो कैंसिल पे जाइएगा, फिर से क्रूज़ दबा दीजिएगा तो आपका क्रूज़ कंट्रोल हट जाएगा। और जब आपको ब्रेक दबाना हो तब आप ब्रेक दबा दो, कोई वो नहीं। और ब्रेक दबाने से अगर स्पीड कम हुई सेट वाली स्पीड से, तो जब स्पीड मतलब फिर से आप जब एक्सेलरेटर लोगे और उतनी स्पीड पे आएगी अगर जब आपकी गाड़ी, तो फिर वही सेट हो जाएगी। या अगर ओवर स्पीड होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ओवर स्पीड से एकदम आप ओवरटेक कर रहे हो किसी को और वैसे ही आपने फिर थोड़ा सा ब्रेक दबाया तो जैसे ही ब्लिंक करने लगेगी स्पीड, फिर जैसे ही उतनी स्पीड पे आ जाएगी हमारी गाड़ी तो फिर से वही स्पीड जहाँ शो पे करेगी। KM/H लिख के आ रहा है, वहाँ पे जब हम लोग सेट की बटन दबाएंगे 40+, तो वहाँ पे स्पीड सेट हो जाएगी। अभी हम लोग आपको सेट करके दिखाते हैं स्पीड, देखिएगा सेट हो गई स्पीड, 45 की स्पीड सेट हो गई। अब अगर हम लोग को बिना एक्सेलरेटर के थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का बटन है। जैसे अगर हम लोग प्लस दबाएंगे तो वो 46 हो गया, 47, 48, 45 कम कर दी हम लोग ने। तो इन दोनों बटन से सिंपली हम लोग कम और ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग की स्पीड, और इसमें आप बिल्कुल आराम से चला सकते हैं। इसमें ना क्लच की ज़रूरत है, ना ब्रेक की ज़रूरत, मतलब ना एक्सलरेटर की ज़रूरत है। और जब आपको रोकनी है तो आप ब्रेक दबा सकते हैं सिंपली, तो तुरंत डिसकंटिन्यू हो जाएगा हम लोग का ये फीचर। देखिए अभी हम लोग बढ़ा रहे हैं स्पीड, 53, 51, कम ज़्यादा आराम से आप स्टेयरिंग से ही कर सकते हैं। तो ये क्रूज कंट्रोल हम लोग का फीचर होता है, जो कि हाईवेज के लिए काफी अच्छा फीचर होता है। अगर आपको कहीं दूर जाना हो हाईवे वगैरह से, एक्सप्रेस वे के थ्रू, तो आप इसको लगा सकते हैं सेट करके, वो गाड़ी आपकी आराम से चलने लगेगी। और एक्सेलरेटर वगैरह पे हम लोग को कोई भी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका फिर कोई भी वर्क नहीं होगा। जहाँ पे आपको ब्रेक दबाना हो वहाँ पे ब्रेक दबाना है, गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी और फिर जैसे ही उस स्पीड के ऊपर आएगी तुरंत अपने आप फिर से कंटिन्यू हो जाएगा ये, जब हम लोग सेट पे दबा देंगे। तो अभी देखिए क्रूज हम लोग ने हटा दिया, यहाँ पे कैंसिल की बटन से आप इजीली क्रूज हटा भी सकते हैं। फिर से सेट कर दिया, आप कैंसिल दबाते हैं, कैंसिल से हट जाएगा क्रूज। देखिए क्रूज हम लोग का पूरी MID फिर से पहले जैसी होगी। तो यही काम होता है हम लोग के क्रूज फीचर का, जो कि काफ़ी सही होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं CS के सिर्फ बेस मॉडल में नहीं आता हम लोग का क्रूज कंट्रोल, बाकी ऑल थ्री मॉडल्स में आता है, जो कि काफ़ी सही बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।